बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है हमारी जो प्रूव करती है कि म्यूजिक ब्रेन को एक तरह से हील करता है कि जब म्यूजिक हम सुनते हैं तो दिमाग के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं तो जब आप म्यूजिक सुनते हैं वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो आपकी मेमोरी भी एक्टिवेट होती है डिमेंशिया के पेशेंट के लिए मैं कहूँगी वो पुरानी गाने सुने जिस टाइम पे वो उसको बहुत इंजॉय करते थे ताकि मेमोरी एक्टिवेट हो पार्किसन के पेशेंट के लिए हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट स्लो म्यूजिक ऐसा सीखें जिससे वो डांस कर सकें और अपनी मूवमेंट्स को बढ़ा सकें म्यूजिक एक तरह की माइंड की एक्सरसाइज है माइंड को वो रिलीफ दे रहे हैं वो एक्सरसाइज दे रहे हैं जिससे वो सुन के रिलैक्स रहता है सेहतनामा में आज बात करेंगे संगीत पर संगीत म्यूजिक कैसे हमें हील करता है कैसे हमारी बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित होता है बताएंगी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जस्ट लवलीन बहुत बहुत स्वागत मैम एंड uh, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और दिमाग से ही संबंधित हमारे सवाल हो रहे हैं आपके साथ तो म्यूजिक संगीत बहुत सारी रिसर्च हम देख रहे हैं आ रही होती हैं कि और सलाह दी जाती है कि आप म्यूजिक सुनिए आप सुनिए आप हील होंगे आप ठीक होंगे म्यूजिक कैसे हील करता है किन बीमारियों में म्यूजिक हील होने में मदद करता है आ, क्योंकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं न्यूरो की बीमारियों के बारे में ज्यादा बात करूंगी न्यूरोलॉजी uh, में कुछ बीमारियां रहती हैं जैसे कि डिमेंशिया uh, भूलने की बीमारी पार्किसन्स शरीर का स्लो हो जाना धीरे हो जाना ऐसी uh, कुछ बीमारियों में या एनजाइटी डिप्रेशन ऐसी कुछ बीमारियों में म्यूज़िक बहुत ही एक मेन रोल प्ले करता है हम कहते हैं कि जब म्यूज़िक हम सुनते हैं तो दिमाग के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं और वो वाले सेल्स जो मेमोरी सेल्स के साथ पड़े होते हैं उनके साथ होते हैं म्यूज़िक को सुनने वाले सेल्स तो जब आप म्यूजिक सुनते हैं वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो आपकी मेमोरी भी एक्टिवेट होती है ऑल्सो म्यूजिक uh, को सीखना जब आप uh, कोई भी संगीत uh, बजाना सीखते हैं या उस पर डांस करना सीखते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी मूवमेंट्स को संगीत के साथ उस चीज़ से भी हम बहुत सारी बीमारियों को बेटर कर सकते हैं जैसे कि डांस थेरेपी जो है म्यूजिक के साथ पार्किसन uh, के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी मानी गई है Uh, क्योंकि पार्किसन के पेशेंट्स स्लो हो जाते हैं अपनी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते तो जब ऐसे पेशेंट्स को हम डांस थेरेपी में शिफ्ट करते हैं तो उनकी मूवमेंट्स बेटर हो जाती हैं उनका चलना बेहतर हो जाता है uh, उनका बैलेंस बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाता है uh, तो इन सब चीज़ों में म्यूज़िक uh, ने बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई हमारी जो प्रूव करती है कि म्यूज़िक ब्रेन को एक तरह से हील करता है चाहे वो भूलने की बीमारी हो चाहे पार्किस की बीमारी हो चाहे एनजाइटी डिप्रेशन की बीमारी हो म्यूजिक हील्स माइंड्स कई बार ऐसा होता है कि आ, आ, बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में है कि वो सोच ही नहीं पाते मतलब म्यूजिक लगा के भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है इतना ज्यादा दिमाग फंसा हुआ है जी तब क्या करें आई थिंक सबसे पहला स्टेप है चेंज द म्यूजिक म्यूजिक मे भी आप सही तरीके का म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं Uh, देखिए कोई ऐसा स्पेशल म्यूज़िक तो हम नहीं कहते कि आपको सुनना चाहिए जिससे ब्रेन हील करता है एनी म्यूजिक जो आपको पसंद है आजकल बहुत सारी फ़ोन में एप्लीकेशंस आ गई हैं कि रिलैक्सिंग म्यूज़िक तो लोगों को लगता है कि शायद वो म्यूज़िक सुनने से माइंड रिलैक्स हो जाएगा या कुछ चीज़ों में ज़्यादा हेल्प करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम कहते हैं कि जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं जो uh, जिस टाइम पर वो एक्टिव थे तो जो उस टाइम पे जो म्यूजिक सुनना पसंद करते थे पुराने हिंदी गाने जिसको हम कहें अगर आप वो चलाएंगे तो उनको सुनाएंगे तो उनकी ब्रेन की वो वाली ब्रेन के लिए एक्टिव होगा जो उस टाइम पे बिल्कुल ठीक था और मेमोरी को स्टोर कर रहा था तो डिपेंडिंग ऑन हर पेशेंट म्यूजिक जो है अलग अलग हो सकता है डिमेंशिया के पेशेंट के लिए मैं कहूँगी वो पुरानी गाने सुने जिस टाइम पे वो उसको बहुत इंजॉय करते थे ताकि मेमोरी एक्टिवेट हो पार्किसनस के पेशेंट के लिए हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट स्लो म्यूजिक ऐसा सीखें जिससे वो डांस कर सकें और अपनी मूवमेंट्स को बढ़ा सकें या फिर ऐसा म्यूजिक जो आ, उनको एक्टिविटी थोड़ी अच्छी ला सके एक्शन में ला सकें तो म्यूजिक नहीं फर्क पड़ता आप कौन सा सुन रहे हैं जो आपको पसंद है या जो आपके माइंड को हील करता है यू हैव टू चूज दैट एक बीमार है आप डिमेंशिया की बीमारी है या पार्किंसन है या उस वक्त म्यूज़िक या उससे पहले ही कुछ आप मैं जैसे कहती हूँ बात हमेशा करती हूँ कि प्रिकॉशंस जरूर लो बचने के लिए बीमारी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं तो ये भी है कि आप शुरू से ही म्यूजिक से जुड़े रहें ताकि आपको ये उसका भी असर पड़ेगा कि ये बीमारियाँ स्लो डाउन होंगी जी आई थिंक म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट और कोई भी आर्ट हो वो म्यूज़िक हो पेंटिंग हो गार्डनिंग हो कोई भी आर्ट हो वो माइंड को क्रिएटिव रखती है माइंड को एक्टिव रखती है तो माइंड की बीमारियों को रोके की म्यूज़िक उसमें सबसे बेस्ट मानी गई है क्योंकि उसमें हम हमने बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च करी है तो म्यूजिक माना गया है चाहे आप सीखें चाहे आप सुने चाहे आप इन्जॉय कर रहे हैं जस्ट सिंपल कार में जाते हुए जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो माइंड एक तरह की एकांत में चला जाता है माइंड उस पर फोकस करता है आप लिरिक्स को एंजॉय करते हैं आप उससे कोई ना कोई अपनी पुरानी याद जोड़ लेते हैं तो आपकी मेमोरीज़ को एक्टिवेट करता है तो डेफ़िनेटली अगर आप रूटीन में म्यूजिक सुनते हैं तो इट हेल्प्स इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ये सब बीमारियाँ जो हम कहते हैं कि जो एज के साथ हो जाती हैं भूलना स्लोनेस एनजाइटी हो जाना इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी एज में आप तीस साल पैंतीस साल चालीस साल तो आप music जरूर रूटीन में म्यूजिक से से, 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 से से जुड़े जुड़े संगीत या आप सीख लें या आप सुन लें ताकि ये आगे, आगे आपको ये माइंड आपके माइंड को हील करने में ही हमेशा मुझे लगता है।, है म्यूजिक एक तरह की माइंड की एक्सरसाइज है जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं मेंटेन कीजिए वैसे म्यूजिक एक तरह की माइंड की एक्सरसाइज है माइंड को वो रिलीफ़ दे रहे हैं वो एक्सरसाइज दे रहे हैं जिससे वो सुन के रिलैक्स रहता है